नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लोक अदालत से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे, साथ ही अपनी समस्याओं जो कि कानूनी समस्याएं हैं उनका निपटान कैसे हो ये भी हम आपको बताएंगे। लोक अदालत के जरिए कैसे आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आज इस खास कार्यक्रम को देखकर आपको भी समझ आ जाएगा। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम है जहां पर न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। ये सामान्य अदालतों से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि यहाँ पर विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। ऐसे मामलों को लोक अदालतों में सौहार्दपूर्वक निपटारा करवाया जाता है। जिस प्रकार गांव के पंचायतों में विवादित पक्षों के बीच समझौता करवाया जाता है, उसी प्रकार लोक अदालतों में भी समझौता करवाया जाता है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी, लोक अदालत पर ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। जी परमानंद जी, आपको लोक अदालत से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। लोक अदालत से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 01206127938 और 01206127937 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोक अदालत क्या होती है और इसकी स्थापना आखिर क्यों की गई थी? नेहा जी, लोक अदालत कोई एक नई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक नवाचार है। और लेकिन इस देश में सदियों से लोक अदालत की अवधारणा रही है, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में भी कहा है कि जैसे पंचायत काम करती रही है वैसे ही ये काम करती है। इसमें हमारे पास जो अंग्रेजों का दिया हुआ एक कानून है और जिस ढंग को हम फॉलो करते हैं कोर्ट में, न्यायालयों में, वो उसको एडवर्सरियल जस्टिस कहते हैं। माने हम मुकदमा करेंगे कोर्ट में, कोर्ट उसका संज्ञान लेगा, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस जारी होगी, नोटिस जारी होने के बाद दूसरी पार्टी जवाब देगी, जवाब देने के बाद उसका उस पर लोग एफिडेविट फाइल करेंगे, यानी उस पर जिरह होगी और जिरह होने के बाद बहस होगी, फिर कानून उस पर फैसला देता है, न्यायालय अपना फैसला देता है। ये तो है जो कोर्ट का नियम है, लेकिन जो परंपरा है लोक अदालत की, लोक अदालत में आप अपने मुद्दे को ले जाते हैं और उस मुद्दे को लोक अदालत के सामने उठाते हैं। लोक अदालत में दोनों पार्टी जब उस बात पर सहमत होती हैं तो दोनों के बीच में बनाया जाता है एक जो भेदभाव और खत्म कर दिया जाता है, दोनों का एक सहयोग बनाया जाता है, दोनों के बीच में एक बातचीत होती है और उस बातचीत में जब वो सहमति उत्पन्न हो जाती है तब उस पर लोक अदालत अपना फैसला देती है। तो लोक अदालत का काम जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई उठाए मुद्दे को फिर उसका कोई विरोध करे, विरोध करने के बाद फिर कोई उसका विरोध करे, फिर उस पर गवाही हो, फिर वकील लोग बात करें, ऐसी स्थिति नहीं है। लोक अदालत में आप एक अधिकार, लेकिन ये बात तो पुरानी समय से थी, अब की स्थिति आ गई है कि 1987 में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना और उसके तहत इसको एक मान्यता दी गई और उसको मान्यता के तहत अब एक अधिकारी पर नियुक्त होता है, अधिकारी मतलब एक जज होता है और जज के सामने दोनों पार्टी उपस्थित होती हैं, दोनों पार्टीज के सामने एक मध्यस्थता का वातावरण तैयार किया जाता है, उसमें जज ये कहता है कि आप इसको फैसला कर लेते हैं तो आप इस मुकदमेबाजी से बच जाएंगे, नहीं तो इस मुकदमेबाजी में कितना समय लग जाए कुछ आपको पता नहीं है, लिहाजा अच्छा होगा कि आप इसको समझौता कर लें। दोनों पार्टी इसको समझाते हैं और उस पर जो समझौता होता है वही लोक अदालत का फैसला होता है। इसमें एक प्रमुख चीज है कि लोक अदालत का दिया हुआ फैसला ये किसी पार्टी द्वारा किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है, वो उसका केवल इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सकता है, यानी उसका कार्यान्वयन कराया जा सकता है, उस पर कोई अपील दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकती है। जैसे
अभी की हालत है कि अगर लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट से भी फैसला नहीं हो पाया आपके पक्ष में या किसी के पक्ष में, हमको असंतोष रहता है तो हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो फाइनल हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, इस नाते वहां तक लोग लेके चले जाते हैं। लेकिन लोक अदालत का फैसला चूंकि दोनों की सहमति से तैयार होता है, इस नाते इस पर अपील नहीं की जा सकती है, लोक अदालत की यही अवधारणा है। जी सर, ये भी बताइए कि कब अदालत में लंबित मामला जो है वो लोक अदालत में लाया जाता है, किस स्थिति में? देखिए, लोक अदालत में आप अच्छा सवाल उठाया, लोक अदालत का मामला तब हम ले आते हैं, जब तब ले आते हैं जब हमारा कोई मान लीजिए मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है जी, या कोर्ट में नहीं भी चल रहा है तो हम को एक एप्लीकेशन देते हैं, वो दरखास्त देते हैं और उस दरखास्त के बाद लोक अदालत में वो उस पर दोनों पक्षों को बुला करके उस पर बातचीत कराते हैं। बातचीत करने के बाद अगर उसमें सहमति हो जाती है तो उस पर लोक अदालत उसका संज्ञान लेती है, लोक अदालत उसको अपना निर्णय दे देती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कोई मुकदमा लोक चल रहा है किसी कोर्ट में, और किसी कोर्ट में चल रहा है तो हम क्या करते हैं, वो कोर्ट में हम एक एप्लीकेशन दायर करते हैं, एक दरखास्त देते हैं, एक प्रार्थना पत्र देते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों पार्टी मिलजुल करके इस फैसले को निपटा लें। जब दोनों पार्टी इस चीज को मिलजुल करके निपटा लेने की बात करती हैं तो उस केस को तुरंत कोर्ट जो है खुद रेफर कर देता है लोक अदालत में, फिर वो उसका फैसला हो जाता है। और एक चीज ये बता दें कि यह केवल छोटे लेवल पर नहीं है कि सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, ये हाई कोर्ट में भी लोक अदालत में मामला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आए दिन ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों पार्टी ये कहती हैं कि हम चाहते हैं कि इस मामले को रेफर कर दिया जाए मेडिएशन सेल में और इस चीज को हम ले जाएं, और वहां पर मेडिएशन सेल में जो भी फैसला होता है वो एक डिक्री की तरह से हो जाता है, उसको मान लेते हैं। तो मतलब सर ये कहा जाए कि मतलब अदालत में जब फैसला अभी नहीं होता है और अदालत में केस चल रहा होता है तो भी उस मामले को लोक अदालत में लाया जा सकता है उसका निपटारा करने के लिए। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी भी अदालत में हमारा कोर्ट से मामला चल रहा है और हम उसको एक दरखास्त दे करके, एक प्रार्थना पत्र दे करके उसको लोक अदालत के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है सर, लोक अदालत में केस लाने की प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि अदालत में जब भी फैसला चल रहा होता है तो हम लोक अदालत में ला सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है सर? ये प्रोसीजर वही हम बता रहे थे ना कि ये लोक अदालत में ले जाने का प्रोसीजर यही है कि आपका मुकदमा अगर अदालत में चल रहा है तो अदालत में आप प्रार्थना पत्र दीजिए कि हमारे मसले को यहाँ न सुलझा करके सीधे लोक अदालत भेज दिया जाए, क्योंकि लोक अदालत कुछ घंटों का मामला होता है और वो उसके दौरान वो फैसला हो जाता है, लेकिन अदालत में वो कितना समय लग जाएगा, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, वकीलों पर कितना पैसा खर्च होगा और चीजों पर कितना खर्च होगा, इसको कोई नहीं जानता है। इस नाते इन सारी चीजों से छुट्टी पाने के लिए ही हम तुरंत एक दरखास्त देते हैं, एक प्रार्थना पत्र देते हैं और उस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ही एक अगली तारीख दे देता है कि आपको ये तारीख दी जाती है, आप दोनों पार्टी इस तारीख को आप जाएंगे और लोक अदालत में इसका फैसला आपको मिल जाएगा, लोक अदालत में ही बात अपनी कहिए और लोक अदालत ही उस पर फैसला दे। ठीक है सर, लोक अदालत में क्या फीस लगती है, इसकी इसकी प्रोसीजिंग फीस कितनी होती है और क्या अपनी केस के लिए वकील अनुबंध करने की इसमें जरूरत होती है या फिर वकील की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, पहला अंतिम बात जो है आपकी बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ कि लोक अदालत में वकील की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर किसी को जरूरत लग रहा है कि हमको अपनी बात को कहना है तो वकील को कर ले और वो वकील वहां जाकर के उनकी बात को समझा देता है, एक तो ये हो गए। वकील की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि आप वहां जाएं और वकील के माध्यम से जाएं। अब दूसरी बात, जहां तक फीस की बात आ गई तो लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर मान लीजिए हमारा मुकदमा चल रहा है और निचली अदालत में चल रहा है, निचली अदालत में हमने जो फीस जमा किया है, अगर उसका फैसला लोक अदालत से होता है तो हमने जो फीस जमा किया है वो फीस भी हमको वापस हो जाती है। ये एक अच्छी बात यह है कि लोग, हमने मान लीजिए अदालत में जो फीस जमा किया कोर्ट फीस,
तो वो कोर्ट फीस भी हमारी वापस हो जाती है, इसलिए लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगती है। लोक अदालत में किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि हमको वकील कर देना चाहिए जो हमारी बात को ठीक ढंग से लोक अदालत के सामने पेश कर सकता है, तो वो वकील कर सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं होती। जी, आपको कानूनी जानकारी देते हैं, और अगर आप कभी कोई सवाल है लोक अदालतों के साथ जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल आप हमारे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे कर सकते हैं। सर, मेरा जो सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले वो मैं पूछ नहीं पाई थी, उसका जवाब आप दे दीजिएगा कि क्या आपराधिक मामले भी जो लोक अदालत है उसमें जा सकते हैं क्या? क्योंकि आम तौर पर ये सवाल उठता है कि लोक अदालत में क्या आपराधिक मामले जा सकते हैं कि नहीं। वास्तविकता यह है कि ये लोक अदालत में केवल सिविल टाइप के केसेस जाते हैं, माने दीवानी के केसेस जाते हैं, फौजदारी के केसेस नहीं जाते। फौजदारी के केवल कुछ केसेस जाते हैं, जैसे चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस आजकल क्रिमिनल एक्ट हो गया है, और चेक बाउंस के केसेस माने चेक किसी को आपने दिया है और चेक उसका बाउंस हो गया है, तो बाउंस हो गया है तो उस केस को कोई कोर्ट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस लगाता है, तो अगर वो उसका केस का फैसला होता है तो उसमें पेनाल्टी भी लगती है और उसमें एक तरह का जज सजा भी होती है। लेकिन अगर उस मसले को रेफर कर दिया गया है लोक अदालत में, तो लोक अदालत उस पर फैसला दे सकती है। तो क्रिमिनल के बहुत छोटे छोटे केसेस जो है वो लोक अदालत में जाते हैं, जैसे डाउरी के केस है, माने दहेज का केस है किसी लड़के स्त्री के खिलाफ, मान लीजिए उसने लगाया है दहेज के केस लगाया है अपने ससुराल पक्ष पर, तो उस केस को वो आप चाहे तो उसको ले जा सकते हैं दोनों मिलकर के, और वो स्त्री चाहे तो कह सकती है कि नहीं हमको ये इतना इनको प्रताड़ित किया गया है लुप्ता, लेकिन हम इस चीज को मसले को सुलझौता करना चाहते हैं क्योंकि हमको जीवन साथ साथ गुजारना है, या अच्छे हम नहीं चाहते हैं कि इस मामले को और समय तक ले जाना चाहते हैं, हम दोनों चाहते हैं कि शादी विवाह करके दोनों सुख में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इस ढंग का केस होता है इसको हम ले जा सकते हैं वहां पर। या ऐसे केसेस जो ऐसे केसेस जिन पर आईपीसी की धारा के तहत बहुत छोटे छोटे अपराध माने जाते हैं, जैसे मॉलेस्टेशन का केस हुआ, छोटी चोरी का केस हुआ, इस ढंग के केस जो है लोक अदालत में समझाए जाते हैं, अन्यथा क्रिमिनल गंभीर केसेस जो होते हैं वो लोक अदालत के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते हैं। एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि जो क्रिमिनल गंभीर किस्म के केसेस होते हैं वो केसेस ये नहीं माने जाते हैं कि मुझसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, तो हत्या करने वाला चाहे ये कह दे कि हम हत्या जिसके घर के परिवार के लोगों की हत्या किसी परिवार की हत्या हुई है वो हमसे समझौता कर लेगा, तो वो समझौता नहीं हो सकता है, वो परिवार के कोई लोग समझौता नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मामला राज्य का हो सकता है, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है, वो परिवार के लोग भी चाहें तो इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। इस नाते छोटे मोटे अपराध जो होते हैं, मॉलेस्टेशन का केस हुआ, किसी की छेड़खानी का केस हुआ, या कोई छोटी मोटी और चोरी चकारी की घटना हुई जिसको लेकर के दोनों पक्ष अगर सहमत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर समझौता आ जाता है। या डिफेमेशन का केस हुआ, किसी ने अवमानना किया है, अवमानना का केस चल रहा है, तो अवमानना के केस को हम कहते हैं कि हम समझौता कर लेते हैं, इस समझौते को हम कानूनी रूप से अपने पक्ष में ले आना चाहते हैं कि हम इस चीज को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, तब उस मामले को आप निश्चित तौर पर समझौता कर सकते हैं, अन्यथा कोई गंभीर फौजदारी के केस या क्रिमिनल केस है उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, ना तो लोक अदालत का कोई वो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, मतलब आपराधिक जो मामले होते हैं वो लोक अदालतों में नहीं जाते हैं, कुछ केसेस को छोड़ते तो। बहरहाल सर, ये बताइए कि अगर कोई लोक अदालत के फैसले का पालन नहीं कर रहा हो तो क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर, या क्या होता है ऐसा, और उसे कैसे उसका पालन करवाया जाता है? जो लोक अदालतें फैसला देती है उसे मानने से लोग इनकार कर देते हैं, तो फिर कैसे उसका पालन कराया जाता है, क्या सिविल कोर्ट जाना पड़ता है क्या? ये भी हम तो आए दिन इस चीज को देख रहे हैं, आपने जिसको दैनंदिन जीवन में कहते हैं कि लोक अदालत का फैसला आया, लोग उसको मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल, लोक अदालत का फैसला जो है उसके पास कोई ऐसा नहीं, कोई इन्फोर्सिंग एजेंसी है, वो उसका काम नहीं है कि वो फैसला को लगवा दे। लोक अदालत का मतलब ये है कि दोनों पक्ष उस बात से सहमत हुए हैं, इस नाते दोनों की सहमति के आधार पर उसका फैसला लोक अदालत ने दिया है।
अब लोक अदालत का फैसला तो सबसे बड़ी चीज है, उसको स्टेचुटरी पावर हो चुकी है, वैधानिक दर्जा मिल चुका है। इस नाते उसमें यह है कि उसकी जो उसकी जो डिग्री होती है वो सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह से होती है। जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री को अगर कोई लागू नहीं करता है तो आप सिविल कोर्ट में जाइए और उसको लागू करवाने के लिए बात करिए। ऐसे ही लोक अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है दोनों की आपसी सहमति के बाद और एक पक्ष उसको नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे, उसके सामने आप लोक अदालत में जा नहीं सकते क्योंकि लोक अदालत के पास कोई इन्फोर्सिंग एजेंसी है नहीं कि जो उसको वो करवा सके। इस नाते उस मामले को हम सिविल कोर्ट में ही ले जा सकते हैं, सिविल न्यायालय में ले जाएंगे और सिविल न्यायालय में भी इस चीज को देंगे कि देखिए इस पर दोनों की सहमति के अनुसार ये फैसला हुआ है, अब एक पक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, इस नाते सिविल कोर्ट इसको लागू कराए तब जा करके इसका कोई मतलब होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहता। तो ये आपको बता दें कि लोक अदालत के दिए हुए फैसले को लागू करवाने के लिए सिविल कोर्ट में जाना ही पड़ता है, अगर एक पक्ष उसको न माने तो। अगर दोनों पक्ष मानने लगते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक पक्ष न मानता है तो सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा और इसके लिए कोई चारा नहीं है। ठीक है सर, ये भी समझा दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि लोक अदालत का गठन कैसे होता है और लोक अदालत के सदस्य की योग्यता क्या होती है, क्या मानक है इसके। देखिए लोक अदालत, मैंने कहा कि ये 1987 के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है। अब ये पूरे देश में तालुका लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के हाई कोर्ट माने राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन किया जाता है, गठन हुआ है। अब इसका एक तो ये गठन हो चुका है, इसमें वही जिस स्तर पर होंगे, मान लीजिए कोई अगर राज्य जिले लेवल का घटन है तो उसमें कोई ऐसा अधिकारी जो पहले रिटायर्ड रह चुका है जज, वो उसको रख दिया जाता है। हाई कोर्ट के लेवल पर है तो हाई कोर्ट का कोई जज रख दिया जाता है, और वो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेल में आता है तो वह वहां पर कोई ऐसा जज होता है जो उस चीज को सुनता है, तो इसको जो दोनों के बीच में फैसला करा देता है और वह बात फिर बाद में कोर्ट में भेज दी जाती है। हाँ। और कहा जाता है कि दोनों पक्ष इस बात से सहमत हो गए हैं, इस नाते उनको मान लिया जाए। तो इसका गठन जो है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत किया जाता है 1987 के जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुआ कानून है, उस कानून के तहत इसका गठन किया जाता है। और इसमें जो आने वाले लोग होते हैं वो फुल्ली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो इनको ये पता होता है कि कैसे बातचीत से, कैसे समझौता से, कैसे मीडिएशन के माध्यम से समझौता लिया जा सकता है, किया जा सकता है दोनों पक्षों के बीच में, यही इसका उद्देश्य है। जी बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि लोक अदालतें क्या होती है, कैसे कार्य करती हैं और अगर कोई इसका फैसला नहीं मानता तो फिर क्या किया जा सकता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। बहुत ही विस्तार से आपने तमाम पहलुओं को समझाने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।